है जो कल शाम को डिसीजन लिया गया था स्मॉल सेविंग रेट को घटाने का। हर तरीके की फिक्स डिपॉजिट, चाहे वो किसान विकास पत्र हो, चाहे आपका पोस्ट ऑफिस में फिक्स डिपॉजिट हो 1 से लेकर 5 साल तक की, वहाँ पर कट लगभग 40 बेसिस पॉइंट से 90 बेसिस पॉइंट तक आए थे, उस स्टेप को विड्रॉ कर लिया। एक ब्रेकिंग न्यूज हमारे सामने स्क्रीन पर आती हुई दिख रही है आपको, लक्ष्मण जी को जोड़ते हैं। लक्ष्मण जी, क्या खबर है आपके साथ? देखिए, खबर यह है कि कल देर रात वित्त मंत्रालय की तरफ से नोटिफिकेशन जो जारी किया था, जिसके बाद स्मॉल सेविंग स्कीम पर ब्याज दरें घटाई गई थी, उस ब्याज दरें घटाने के फैसले को सरकार ने वापस ले लिया है। जी हाँ, अभी वित्त मंत्रालय के ट्विटर हैंडल पे इसकी जानकारी दी गई है और बताया गया है कि ये जो नोटिफिकेशन कल देर रात जारी किया गया था छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरें घटाने का, वो ब्याज दरें नहीं घटेंगी, इसको वापस लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इससे पहले जो ब्याज दरें चल रही थी वही ब्याज दरें जारी रहेंगी। बहुत हद तक जो ब्याज दरें तय की जाती है एक तकनीकी तौर पर बॉन्ड यील्ड के आधार पर तय की जाती है, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे समय ब्याज दरें घटाई गई थी जब 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो मुझे लगता है सरकार इसे राजनीतिक रूप से जोखिम नहीं लेते हुए फैसला लिया कि ब्याज दरें नहीं घटाई जाएंगी और जो 31 मार्च तक जो ब्याज दरें चल रही थी वही रहेंगी। बता दूं कि सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करके करीब 1% तक ब्याज दरें घटा दी थी। ये जो बात मैं कर रहा हूँ वो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, सुकन्या समृद्धि योजना, PPF, किसान विकास पत्र, इन सभी पर ब्याज दरें घटाई गई थी, लेकिन अब वो ब्याज दरें नहीं घटेंगी, जैसे पहले थी वैसे ही रहेंगी। इसमें लक्ष्मण जी आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम लोग कोशिश कर रहे हैं इस ट्वीट को जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री की वेब ट्विटर हैंडल पर आपको देखने को मिलेगा, उसको ग्राफिक्स के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए। और ये बहुत ही अच्छा कदम आप यूं समझिए इसलिए है क्योंकि एक तो इलेक्शंस आपको होते हुए दिख रहे हैं पश्चिम बंगाल में, और आज एक बहुत ज़बरदस्त आपको फैसला होता हुआ दिखेगा। चीफ मिनिस्टर ममता जी आज नंदीग्राम से लड़ रही हैं। एकदम जोड़ते हैं नीरज जी को। नीरज जी, आप इसमें कोई पॉलिटिकल एंगल भी देखते हैं? डेफिनेटली शैल जी, पॉलिटिकल एंगल है क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को जो अपनी स्मॉल सेविंग्स पोस्ट ऑफिस में किसान विकास पत्र या रिटायर्ड लोग अपनी पैसे जमा करते उनको दिक्कत हो सकती थी। और बंगाल में चुनाव है, आज मतदान है नंदीग्राम में, जहां पे ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के बीच में करारी टक्कर है, तो उसको देखते हुए ये फैसला डेफिनेटली हम कहेंगे कि एक पॉलिटिकल मूव है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि ऑलरेडी पेट्रोल डीजल के प्राइस को लेकर के कई बार कंसर्न किए गए, तो ये फैसला कल हुआ और आज वापस लिया गया, तो इसका पॉलिटिकल रिपरकशंस डेफिनेटली होगा क्योंकि बड़ी तादाद में लोग छोटी बचत योजनाओं में अपने पैसे लगाते हैं और इससे एक सेंटिमेंट नेगेटिव जरूर जा रहा था, तो मुझे लगता है कि ये पॉलिटिकल मूव है जी। तो फिलहाल आपके सामने जो आपने कट आता हुआ देखा था, लक्ष्मण जी आप क्या सोचते हैं ये किस तरीके से किया गया होगा? काफी फीडबैक पॉलिटिकली मिला होगा फाइनेंस मिनिस्ट्री को कि अगर पश्चिम बंगाल में और 4 अलग अलग राज्यों में आपको इलेक्शन होते हुए दिख रहे हैं तो शायद ये जो स्टेप लिया गया रिटायरीज के लिए बहुत ही कष्टदायक था और इसको इसीलिए विड्रॉ किया गया। बिल्कुल, दरअसल ये बता दूं कि पहली बार हुआ है जब से ये सिस्टम लागू किया गया था कि हर तिमाही समीक्षा की जाएगी छोटी ब्याज दर बचत योजनाओं की, उसके बाद हर बार कभी ऊपर कभी नीचे होता है, लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है कि ब्याज दरें घटाई गई हैं। आपको बता दूं कि पीपीएफ पर ब्याज दरें 1974 के बाद सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई थी कल जब ब्याज दरें घटाई गई थी, और पीपीएफ नेशनल सेविंग स्कीम इस तरह की छोटी बचत योजना है, इसमें निवेश करने वाले लोग उन राज्यों में ज्यादा हैं जहां पर चुनाव होने वाला है, चाहे आप पश्चिम बंगाल की बात करें, चाहे असम की बात करें, चाहे उधर तमिलनाडु की बात करें, तो वहां पर इस तरह के लोगों की संख्या आपको बहुत ज्यादा पाई जाएगी। तो मुझे लगता है कि इसका राजनीतिक खामियाजा बहुत ज्यादा भुगतना पड़ता। कल से जैसे ही खबर आई थी उसके बाद आप देखें सोशल मीडिया पर जिस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही थी, इसकी पूरी संभावना था कि आज चुनाव के प्रचार के दौरान विपक्ष पूरा सरकार पर हमला बोलेगा। पहले ही सरकार, जैसा कि नीरज जी ने कहा, पेट्रोल डीजल कीमतों को लेकर के घिरी हुई है और ऐसे में छोटी बचत योजनाओं के ब्याज दर घटाने का फैसला ये काफी नकारात्मक होता है। लेकिन एक सवाल जरूर उठेगा कि सरकार अपने कदम को ही वापस लिए जो सरकार ने सिद्धांत के आधार पर बनाया था कि हम ब्याज दर की समीक्षा करते हैं, इसमें राजनीतिक दखलअंदाजी नहीं रहेगी। अब राजनीतिक दखलअंदाजी इस बात को दर्शाता है कि सरकार शायद उससे समझौता कर रही है, लेकिन ये कब तक रखेगी इस तरह से कम ये कहना मुश्किल होगा क्योंकि इससे सरकारी बैलेंस शीट जिसको कहते हैं उस पर भी असर पड़ता है।
तो फिलहाल लक्ष्मण जी आपका बहुत बहुत आभार, ये ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने स्क्रीन पर चलती हुई, जो कल शाम को डिसीजन लिया गया था स्मॉल सेविंग रेट को घटाने का, हर तरीके की फिक्स डिपॉजिट, चाहे वो किसान विकास पत्र हो, चाहे आपका पोस्ट ऑफिस में फिक्स डिपॉजिट हो 1 से लेकर 5 साल तक की, वहां पर कट लगभग 40 बेसिस पॉइंट से 90 बेसिस पॉइंट तक आए थे, उस स्टेप को विड्रॉ कर लिया गया है। ये खबर आपके सामने सबसे पहले चलती हुई दिख रही है सीएनबीसी आवाज पर, और इस खबर के जनक हमेशा की तरह लक्ष्मण रॉय साहब।